एक रहस्यमय लड़की जब सामने बैठी जजेस की फोटो खींचती है तो उस फोटो में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इम्पोस्टर गर्ल यानी एक बहरूपिया लड़की जो देखते ही देखते अपना रूप बदल लेती है। ये सब होता है अमेरिका के एक रियलिटी टीवी शो में जिसका नाम है अमेरिकास गोट टैलेंट। इस शो में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को अंदर तक दहला देती हैं। इस शो में दिखाई गई हॉरर और क्रीपी चीजें लोगों के बीच मिस्ट्रीज क्रिएट कर देती हैं। ऐसी चीजें देखकर लोग सदमे में आ जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग इस शो को देखना पसंद करते हैं। आज हम उन्हीं सो कॉल्ड हॉरर और क्रीपी चीजों को देखेंगे जिन्हें देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ज्यादातर जादुई और भूतिया चीजों को परफॉर्म करने के लिए साइंस यानी विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, आप मानो या ना मानो, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस के बियॉन्ड, जो विज्ञान से परे होती हैं। द स्केर्ड रियाना। ऑडिशन के शुरू होते ही ये लड़की एक डॉल यानी एक गुड़िया को लेकर स्टेज पर आती है और सभी जजेस को एक डरावने तरीके से घूरने लगती है। जब उनमें से एक जज इससे कुछ कहती है तो ये लड़की अपने हाथ में पकड़े डॉल को जमीन पर पटक देती है और उसी जज के पास पहुंच जाती है। तभी ये जजेस के सामने डेस्क पर रखे एक बॉक्स को खोलती है। और उस बॉक्स में से कुछ लोगों की तस्वीरें निकालती है और उन सभी तस्वीरों को जजेस के सामने बिखेर देती है। उन तस्वीरों में उनके नाम भी लिखे रहते हैं जिनकी ये तस्वीरें होती हैं। इसके बाद ये लड़की जजेस को एक पुराना फटा हुआ अखबार यानी न्यूज़पेपर दिखाती है। और उनकी तरफ उंगली करके उन तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर को चुनने का इशारा करती है। तब सामने बैठी जज उनमें से एक बॉब नाम के व्यक्ति की तस्वीर को चूज करती हैं। इसके बाद ये लड़की एक कैमरे से जजेस की एक फोटो क्लिक करती है और उसे कैमरे से निकालकर जजेस के लेफ्ट हैंड पर रख देती है। उसके बाद वह लड़की फिर से वही न्यूज़पेपर दिखाती है जो अभी से कुछ देर पहले ही जजेस ने देखा था। लेकिन जब ये लड़की उस मुड़े हुए न्यूज़पेपर को सीधा करती है तो वहां वही बॉब की फोटो आ जाती है जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही जजेस ने चुना था। ये देखकर वहां बैठे सभी जजेस और सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी ये लड़की जजेस के हाथ की तरफ इशारा करती है और उसी कैमरे से निकली तस्वीर को देखने के लिए कहती है और जब वो उसे सीधा करके देखती हैं तो जजेस चीख पड़ती हैं क्योंकि वहां उनके फोटो में बॉब उनके पीछे ही खड़ा नजर आता है। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। ये ऑडिशन अमेरिकास गोट टैलेंट का
सबसे रहस्यमय और सबसे डरावना ऑडिशन था। इस ऑडिशन को बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया, जहां इसे 9.8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। एरोन क्रो, ये बंदा सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती के बैक्स को अपनी आईज पर डालता है, उसके बाद एक सफेद कपड़े से अपनी आंखों को ढक लेता है और उसी के ऊपर एक मोटा ब्लैक टेप भी लपेट लेता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। वो अभी भी नहीं रुकता, वो इसके ऊपर से एक एल्यूमिनियम फॉइल को भी लपेट लेता है। उसके बाद वो एक नाइफ निकालता है और अब शुरू होता है असली थ्रिल। वह करतब दिखाते हुए वहां दूर खड़ी लड़की के हाथ में एक थैले को चीर देता है। उसके बाद वन बाई वन तरीके से पीछे खड़े लड़के के हाथ में एक लकड़ी की बोर्ड के दो टुकड़े कर देता है। एंड फाइनली अपनी तलवार निकालता है। नाइफ से थैला चीरना, कराटे चैन से बोर्ड के दो टुकड़े करना, यहाँ तक तो ठीक था, पर एक तेज धारदार तलवार से जजेस के सिर के ऊपर रखे अनानास यानी पाइनएप्पल को काटना इज वेरी डेंजरस। यहाँ कुछ भी हो सकता था, सभी की सांसें अटकी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को कपकपा दिया और आखिरी में अनानास ही कटा। पर आखिर ये उसने कैसे किया? आखिर उसने कैसे बिना देखे ही अपनी परफॉर्मेंस को अंजाम दिया? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने रूम से बाहर जाओ तो आप ये नहीं कर पाओगे। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि जो चीजें आप अपनी इन दोनों नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते वो चीजें आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके देख सकते हैं। एलिजाबेथ, ये लड़की जजेस के पास आती है और उन्हें एक किताब पकड़ाकर अपने साथ एक डार्क रूम में ले जाती है। वहां एक टेबल पर काफी सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स बिखरे पड़े रहते हैं। वहां वह लड़की जजेस को बताती है कि ये जो इतने सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं वो उन सब लोगों के हैं जिनकी मृत्यु 100 साल पहले ही हो चुकी है। इसके बाद वह उन सभी फोटोज को इकट्ठा करके जजेस के लेफ्ट हैंड पर रख देती है। उसके बाद वह जजेस से कहती है कि इन सभी फोटोज में से कोई एक फोटो को चुनो जिससे आपको कनेक्शन महसूस हो रहा हो, एक अलग तरह की फीलिंग आ रही हो, उसे चुनकर बिना देखे ही उस बॉक्स में डाल दो। जजेस सेम पैसा ही करती हैं। वह काउंट करते हुए जिस भी फोटो से जुड़ाव महसूस करती हैं उसे सिलेक्ट करके उस बॉक्स में डाल देती हैं। यह लड़की उस बॉक्स को बंद कर देती है और बाकी बची फोटोज को लेकर वापस टेबल पर बिखेर देती है और कहती है कि जो भी फोटो आपने चुनी है जो उस बॉक्स में है उसे निकाल लो। जजेस उस फोटो को निकालती हैं तो वह फोटो एक बूढ़ी औरत की होती है। इसके बाद वह जजेस को 100 साल पुरानी किताब जो उसने शुरू में जजेस को दिया था उसमें रेड सर्कल ड्रॉ किया हुआ एक पैराग्राफ पढ़ने को बोलती है। जजेस उसे बड़े आराम से पढ़ देती है। तभी उसी बीच वह लड़की जजेस से कहती है कि आप अपनी बाईं ओर देखना जरा। जजेस उस तरफ देखकर जब अपना मुंह सामने की ओर करती हैं तो सामने उस लड़की की जगह वही फोटो वाली बूढ़ी औरत आ जाती है। ये देखकर जजेस पूरी तरह डर जाती हैं और वहां मौजूद लोग भी। तो आखिर ये कैसे हुआ? 100 साल पहले मरी महिला वहां कैसे आ सकती है? लड़की ने ये सब कैसे किया और ये लड़की कहां गायब हो गई? ये देखकर सब चौंक जाते हैं। और यही नहीं, इस सब के बाद वह लड़की उस बूढ़ी औरत की जगह वापस भी आ जाती है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि यह बूढ़ी औरत यहीं कहीं कमरे में पीछे अंधेरे में कहीं कोने में छिपी रही होगी और अचानक से सामने आ गई। तो यहाँ इतनी सारी फोटोज थी, तो क्या वो सभी लोग इसी छोटे से कमरे में बैठे होंगे? सपोज करो कि जजेस उस बूढ़ी औरत की जगह किसी और की फोटो चुनती, क्या तब भी वैसा ही होता? क्या ये सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था या फिर एक सचमुच का रहस्य? ये बताना आपका काम है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ।